नाज़रीन, दिन महीने साल तेज़ी से बदलते हैं, लेकिन हमारे गरीबों के मसाइल, हालात और मौसम जूं के तूं। उन्हीं गरीबों का नुमाइंदा फीका हमारे साथ। चल, दिन महीने भी कदों बदलते हैं, वही दिन आ जाते हैं। आज भी इतवार है, फिर इतवार आ जानी है, उसके आगे फिर इतवार आ जानी है। आज भी सितंबर आ गया है, अगले साल फिर सितंबर आ जाएगा। हालात भी वही है, साल भी वही है, दिन भी वही है, बारिशें भी वही है। तो बारिशें एंजॉय कर रहे हो खूब? बारिशें क्या एंजॉय करनी है, रूफ जाती बारिश हो रही है। या हम कोई मलक है? वो मलक और ये बारिश कहते हैं मैं एंजॉय करता हूँ। कहते हैं जब बारिश होती है ना, फिर पकौड़े खाने का बड़ा मजा आता है। और मैं कहा मलक साहब जान दियो, खुदा दा वास्ता जे उन जी पकौड़े खा लिया करो, बारिश जरूर मांगती हो पकौड़िया के नाल, तुसी पकौड़िया नू बारिश ला ला के खांदी हो। कोई तुहाडे पकौड़िया ते गरीबां दियां छत्तां डिग पैंदियां ने। मैं क्या तुम आप लोग तो पकौड़े खा रहे हो तो इंजॉय कर रहे हो, तो हमारे घर हमारा बनेरा ही डिग पिया। उज पता है तुम्हें परसों चौथवी जो तो बारिश हुई है, पानी आ गया हमारी गली दे विच। पहले बारिश शुरू हुई है तो छत में से पानी नीचे आना शुरू हो गया, चोनी शुरू हो गई है छत, सीधा पेटी के ऊपर। पेटी के ऊपर वड्डा बक्सा रखाया था माने, उसमें मेरी पहन के जहेज की चीजें अम्मा कट्टी कट्टी उतर बारिश हो लग पई। अम्मा बेचारी रो लग पई, उठा के उधर रखिया, उसके नीचे ले आके तो सिल्वर का ढोल रखिया, तो दूसरी तरफ से छत शुरू। चलो उधर ले आके तो परात रखिए, तो उधर से छत फिर शुरू। चलो उधर ले आके लोटा रखिया, तो ऊपरली नुकड़ी चो वड्डी तारी पानी की वगनी शुरू। उधर ले आके टप रखिया, सारे कमरे में इस तरह बर्तन खिल रहे हो सन जिमें फिल्म अनोखे दाज का वाइंड अप चल रहे है, जिसमें वो दाज निकला देना विलन। मुसीबत पै गई सारी, सारे घर में बर्तन खिल रहे हो या छत के थले। अम्मा कहती है जाके ऊपर देख, पर नाला ही ना बंद हो। मैं ऊपर गया तो सारी छत भरी हुई पानी के साथ। थले मैं क्या मैं छत भरी हुई है उत्ते, तो रोन लग पी, कहती है छेती थले आ जा डेगी ना पवे। तो उधर मैंने पर नाला खोलिया, वो पर नाले दे विच इतने इतने वड्डे तीले फसे हुए सन, वो निकालिया मैंने तो एकदम शर साला नीचे नाला शुरू हो गया। वो गली पर गई सारी, सारा पानी हमारे घर के अंदर, बर्तन सारे तैरने शुरू हो गए कश्तियां की तरह। उधर अभी सारा दिन बारिश होती रही, फिर हम अम्मा कहती है कि छत के थले ना आओ बाहर निकल आओ। उसने नन्नी को भी बाहर निकाल दिया, शेन में बैठ गए हम लोग, मैं भी आ गया। अभी हम लोग उधर बैठे थी वेड़े में। अच्छा। तो एकदम ना वो छानी की अम्मी ने आवाज मारी, तो अम्मा कहती है वे कौन है। मैं उधर दरवाजे में देखने गया, मैं अम्मा का लब लान दिया ते नजरी ना। अम्मा भी उठ के आई और नन्नी भी हले बुए के पास पहुंची है, तो उतो बनेरा डिग पिया, चीखे मारने लग गई अम्मा भी, ते ओ खाला यरीना भी बेचारी डर गई। अम्मा कहती है यरीना तू तो साढ़े लिए रहमती बन के आई है, तू ना आती, हम उथे बैठे रहना सी, बनेरा मेरे बालों ते डिग पैना सी। और मैं कहा अम्मा तेरे ते भी डिगना सी, तू कहीं प्लास्टिक दी। अगो कहती है मां सज के जाए तू अन कुछ हो गया, बाला मेरिया नु ते मैं ते जून दे जियो ही मर जांगी। और सारा घर भरिया हुआ है पानी, ओए पानी, छत भी सारी कच्ची है। वो मालक मकान को कहती है ना के छत पक्की करा, सारी चोटी है। तो आगे से कहता है के तकराया बताओ तकरा देना,
ਫਿਰ ਅਮਾ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਣੇ ਆ। हमने कहा से लेंटर पुआना, असि घर आटा पता नहीं किस तरह पुआने, लेंटर पुआन दिया हो। हमने कहा कि तू जेरा घर है तो तू पुआ के दे लेंटर, हम तो किराएदार है। आगे से इतना बदतमीज आपे मेरे नु कहंदा जा जाके छड़ दे घर कोई होर ले ले, 2800 रुपया किराया देना, तेनू छत ते संगे मार मार ना लुआ दिया। इतना तेज ही वो सारा बारिश नल घर ही डींगा हो गया, चार पाइया सारी मंजिया गिल्ली हो गई, वो डींगी हो गई सारी। अच्छे अब्बा उधर बैठता है तो उधर से मंजी ऐसे ऊंची हो जाती है, उधर जाके बैठता है इधर से ऐसे हो जाती है। वो कभी अम्मा नु कहता उधर बहुत रहा है, इधर बैठ के तो मंजी सीधी हो जाती। वो आपस से चोई खेडन दे हो। मैं भी डरता फिरना वेले च, डरता पानी पानी है, डर लग रहा होता है कि जिथे पैर रखो या थले रोड़ा होना या थले डड्डू होना। इतना इतना मोटा पीले रंग का डड्डू साडे वेड़े में गुछा हुआ है, नाम राज साडे वेड़े च तैरते फिर तैर तूर के जाके फिर इट ते चढ़ के बैठ जाते ने, फिर तकरीर शुरू कर देते ने। अब्बा उनको पकड़ पकड़ के रोड़े मारता है। अम्मा कहती है लगा रहन दियो कि ना तेनू गालां कढ़न दिया है। अब्बा आगे से कहता है कढ़न नहीं दिया। मैंने कहा अब्बा चल कट दे भी तो सानू के समझ जाती है सानू की। बस इनके हसबे हाल खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।